हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिश करी। फिश करी के लिए हमें चाहिए लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा अजवाइन और गरम मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी। इसको अच्छे से मैरिनेट करके कम से कम 2 से 3 घंटे तक साइड में रख दे और इसके बाद उस फिश को हम डीप फ्राई कर लें। 2 से 3 घंटे के बाद इसको अच्छे से डीप फ्राई करें। हाँ, याद रखें कि मसाला निकलना नहीं चाहिए। थोड़ा सा ऑयल डालें, ज़्यादा ऑयल डालने से क्या होता है, मसाला निकल जाते हैं। और फिर दूसरा पैन में हम थोड़ा सा ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज, मतलब कम से कम 2 से 3 बारीक कटा हुआ प्याज। इसको लाइट ब्राउन होने दें और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 से 2 ढक्कन सिरका। सिरका है गाइस को। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन, नमक, मिर्च, ज़ीरा और थोड़ा सा भुना हुआ धनिया, भुना हुआ ज़ीरा और इसका पेस्ट। ठीक है, इसका पेस्ट हम उसमें ऐड करेंगे, जो हम प्याज का, जो सिरका का जो था ना, उसमें ऐड करेंगे। ऐड करके अच्छे से उसको भून लें। कम से कम 5 to 10 मिनट्स भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम पानी, कम से कम 2 कप पानी ऐड करके इसको अच्छे से पकने दें धीमी आंच में 10 to 15 मिनट्स। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे फ़िश। फ़िश के बाद हम कम से कम धीमी आंच में 10 to 15 मिनट्स अच्छे से पकने के लिए छोड़ दें। और फिर ये लीजिए, तैयार है आपका फ़िश करी। और गार्निश के लिए हम काले मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ता। सब्सक्राइब कीजिएगा।